मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर 15 की रीडिंग लगा रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ह्यूमन की बेसिक नीड और फूड के मेजर सोर्स देखे थे। आज अपन देखेंगे मेजर फूड प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्शन के कौन कौन से रिवॉल्यूशन है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किसके प्रोडक्शन के लिए हुआ? सीरियल और ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा रिवॉल्यूशन है? ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन के लिए? सीरियल और ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए। सेकंड देखिए, कौन सा रिवॉल्यूशन है? ब्लू रिवॉल्यूशन। और ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किसके प्रोडक्शन के लिए हुआ? फिश के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन के लिए? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए? मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन, और ये किसके लिए हुआ? पल्स प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला है सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये किसके लिए हुआ? एग प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो जो इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्शन के मेजर जो रिवॉल्यूशन हुए वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, किसके प्रोडक्शन के लिए? सीरियल और ग्रेन के लिए। ठीक है, तो सीरियल और ग्रेन के लिए, ग्रेन प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिश प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन? ब्लू रिवॉल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन। मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन? येलो रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए? पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए। और सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये अपन ने जो इंडिया में मेजर रिवॉल्यूशन हुए ना फूड प्रोडक्शन के वो अपन ने पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 300 पर एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, आप फटाफट पेज नंबर 300 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 300 पर आपको एक बॉक्स गिवन है, और बॉक्स में जो ब्लैक कलर की बॉक्स है छोटा वाला, उसके अंदर लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 30 पर एक बॉक्स बना हुआ है, नीचे उस पे लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फिलअप। ठीक है, तो जो ट्राई योर सेल्फ है ये आपकी बुक में पेज नंबर 300 पर है, वहां से आपको इसके फिलअप देखना है। तो देखिए, फर्स्ट फिलअप क्या है? वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। तो फर्स्ट फिलअप के फर्स्ट वाले ब्लैंक में आपको फिल करना है प्लांट्स, और सेकंड वाले के अंदर फिल करना है एनिमल। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना वो सक्सेसफुल किसका मैनेजमेंट है? तो आपको दिया हुआ है ब्लैंक रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर विदाउट कंपैरिजन द फूड फ्यूचर ले। तो सेकंड वाले फिलअप्स के अंदर आपको नेचुरल फील करना है। कौन सा रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो ट्राई और सेल्फ के फिलअप्स अपन कर रहे हैं उसमें फर्स्ट वाले फिलअप्स में फर्स्ट ब्लैंक में प्लांट, सेकेंड में एनिमल। सेकेंड वाले फिलअप्स में आपको क्या फील करना है? नेचुरल। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व प्रैक्टिस सच एज। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो आपको बताना है। इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट इंटरक्रॉपिंग, फर्स्ट स्टेप आपको दे रखी है इंटरक्रॉपिंग, फिर उसके बाद में ब्लेंड दिया हुआ। तो थर्ड के फर्स्ट ब्लेंड में आपको फील करना है मिक्स फार्मिंग, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला ब्लेंड है उसके अंदर आपको फील करना है इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये थ्री प्रैक्टिस है। फर्स्ट तो इंटरक्रॉपिंग का तो आपको दे रखा है, सेकेंड आपको फील करना है मिक्स फार्मिंग, उसके बाद में थर्ड करना है आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस। उसके बाद में देखिए फोर्थ वाला ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो रिवॉल्यूशन में देखिए बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन के लिए किया गया? सीरियल एंड ग्रेन। तो आपको फोर्थ वाले में क्या फील करना है? सीरियल एंड ग्रेन। उसके बाद में देखिए रिवॉल्यूशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन। फिफ्थ वाले में आपको फील करके बताना है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है
रिवॉल्यूशन हुआ। तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो फिफ्थ वाले में आपको फिल करना है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये सिलेक्ट आपको आपके प्रैक्टिकल में करना है और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।